पटियाला का मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिछले कुछ वर्षों से लगातार विवादों में रहा। अब स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एक सीनियर पुलिस अधिकारी द्वारा इंटरव्यू लिए जाने को लेकर एक बार फिर चर्चा में है। पटियाला का 1948 से चलाया जा रहा मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिछले कुछ सालों से लगातार विवादों में चल रहा है। अक्सर किसी न किसी कारण यह स्कूल सुर्खियों में रहने लगा है, परंतु अब मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक बार फिर नए विवादों में घिर गया है। कारण है स्कूल के प्रिंसिपल की कुर्सी खाली होने का और उस कुर्सी पर एक सीनियर पुलिस अधिकारी के बैठे होने का। आपको बता दें कि स्कूल मैनेजमेंट ने 28 जुलाई को प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए इंटरव्यू रखी थी और कई उम्मीदवार प्रिंसिपल की इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए पहुंच भी गए थे। बिल्कुल समय पर स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर रवि सिंह ने स्कूल के मैनेजर मोहन सिंह को कहा कि वे अपनी जगह दूसरे प्रतिनिधि भेज रहे हैं और कुछ ही देर बाद स्कूल के फाइनेंशियल एडवाइजर अनिल अरोड़ा तथा एक सीनियर पुलिस अधिकारी वहां आए। यही नहीं, सीनियर पुलिस अधिकारी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ वहां पहुंच गए और सीधे बैठ गए प्रिंसिपल की कुर्सी पर और स्कूल का स्टाफ जुट गया उनकी आवभगत करने में। जब किसी अन्य व्यक्ति के प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठे होने की बात अध्यापकों के पास पहुंची तो वे सभी आग बबूला हो गए। स्कूल में हंगामे की स्थिति बन गई और स्टाफ ने मैनेजमेंट के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी। अध्यापकों ने तो यहां तक कहा कि उनके बोलने पर पुलिस अधिकारियों व उनके गार्डो ने उनको बहुत बुरी तरह धमकाया। उन्होंने कहा कि या तो चुप हो जाओ वरना तुम्हें देख लिया जाएगा। उस बंदे ने गार्ड्स ने रिवॉल्वर साड़ियां लेडीज से तानी। एक बेकार एक लड़का है साड़ा एसोसिएशन का मेंबर, उसने फर्स्ट डे उस अनुराग ने रिवॉल्वर्स दिखा गया है। वो की करेगा, मतलब साड़ा अगू की करेगा? देख रहे ने मैडम, देख रहे ने मोहन सिंह, देख रहे। टीचरों का कहना है कि वे वहां पर 20-20 साल से काम कर रहे हैं। यह स्कूल सबका है, लेकिन वे वहां पर किसी भी व्यक्ति विशेष का कब्जा नहीं होने देंगे। स्कूल की अध्यापिकाओं ने यहां तक कहा कि हमें सिर्फ रेगुलर बेनिफिट मिल रहे हैं और वे ही चाहिए, इसके अलावा हमें स्कूल से कुछ नहीं चाहिए। हमें भी यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल प्रमोट किया गया, लेकिन हमने उनको कभी नहीं कहा कि हमको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए। वी डोंट वांट एनीथिंग, हमें जो चाहिए, हमें चाहिए कि जो रेगुलर हमें बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो मिलने चाहिए। और ये स्कूल जो है ये हमारा है, ये हमेशा स्कूल हमारा ही रहेगा, इसको कोई भी मेहनत नहीं छीन सकता। अध्यापकों का यहाँ तक कहना है कि स्कूल मैनेजमेंट में इस समय वन मैन शो है। नहीं, हमारे मुताबिक इट्स जस्ट वन मैन शो, ये दिस इज जस्ट वन मैन शो, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप सुनिए ये स्कूल के मैनेजर मोहन सिंह क्या कह रहे हैं। टीचर जो भड़के हुए हैं, किस बात को लेकर के भड़के हुए हैं? इस तरह जी आज स्कूल के प्रिंसिपल की पोस्ट वास्ते इंटरव्यू सी जी साडे प्रेसिडेंट साहब ने हासिल डॉक्टर रवि सिंह ने जी अभी ग्राम दफ्तर के वो आए नहीं, उन्होंने कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, मैं भी कभी मिलिया नहीं उन्होंने, पहली बारी आए हैं। एक अनिल अरोड़ा सी ए सके जे साडे नाल काम करदे ने, सी ए ने साडे नाल, उन्होंने कौन जेंटलमैन सी मैं उस तो पहला नहीं सी जानता उन्होंने। एक तरफ स्कूल के मैनेजर मोहन सिंह ये कह रहे हैं कि उनकी स्कूल के चेयरमैन रवि सिंह से बात हुई है और उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ सकता, इसलिए मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रहा हूं। हमने इस बारे में मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन रवि सिंह से भी बात की। ये देखो ना, मतलब ये तो देखो ना, आज की है कि मैं मतलब एक प्रिंसिपल रखना थी का होर, क्योंकि मैं आई एम आस्किंग मिस्टर दास टू लोक इंटरनेशनल बैकलॉरेट कोर्स, दो तीन होल खोल दिया मैंने जी, वो आज जा नहीं पाया बिकॉज आई एम नॉट वेल, मैं इतने मैं वो जी कैंसिल कर जी मतलब जी इंटरव्यू सी
ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ ਐਸ ਐਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬਰੰਦੋ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼। रवि सिंह ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि उन्होंने सुबह स्कूल में यह कह दिया था कि मैं नहीं आ सकता, इसलिए आज की इंटरव्यू कैंसिल की जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि सच कौन बोल रहा है? स्कूल के अध्यापक जिन्होंने एक सीनियर पुलिस अधिकारी को वहां पर बैठे हुए देखा, इंटरव्यू लेते हुए देखा, या स्कूल के मैनेजर मोहन सिंह जो ये कह रहे हैं कि चेयरमैन ने यह कहा था कि मैं नहीं आ सकता और अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रहा हूं। साढ़े प्रेसिडेंट साहब ने उन्होंने कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, मैं भी कभी मिलिया नहीं उन्होंने, पहली बार अच्छ पहली बार आए ने। एक निरोड़ा सीए सके जे सा काम करते हैं, सीए ने साढ़े नाल उन्होंने कौन जेंटलमैन से मैं उसको पहला नहीं जानता। उन्होंने प्रश्न यह है कि जब वहां पर डॉक्टर रवि सिंह मौजूद नहीं थे तो वे स्कूल में क्या करने गए थे? दूसरी तरफ प्रश्न यह भी है कि यदि वो गए थे तो प्रिंसिपल की कुर्सी पर क्यों बैठे? प्रश्न और भी कई हैं। स्कूल के चेयरमैन का कहना है कि स्कूल लाखों रुपए प्रति महीना घाटे में चल रहा है, जबकि अध्यापक कुछ और ही कहते हैं। अध्यापकों का कहना है कि स्कूल का पैसा बच्चों का पैसा नाजायज खर्च किया जा रहा है। बच्चों ने कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, असली बिल्कुल काम बच्चों ने कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। एक तरफ स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए कमरे नहीं है, स्कूल में बच्चों को पेशाब करने के लिए बाथरूम नहीं है, और दूसरी तरफ प्रबंधकीय कार्यालय इन्होंने एक होटल की तरह बना रखा है। आप ये देख सकते हैं स्कूल का फर्नीचर। आप ये देख सकते हैं स्कूल का बरामदा। इन कमरों को, इस फर्नीचर को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये 3 स्टार या 5 स्टार होटलों का फर्नीचर हो, किसी स्कूल का नहीं। फिलहाल मैनेजमेंट और अध्यापकों के बीच मामला गर्मा गया है। यह आने वाला समय ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। पटियाला से पीयूष गुप्ता के साथ गुरविंदर की रिपोर्ट।